डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका कमिंग पेपर है SEC हिस्ट्री 319 इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स इन द आर्ट अप्रिसिएशन। आर्ट, क्राफ्ट, स्कल्पचर, रिलीफ, पेंटिंग, मिनिएचर, म्यूरल, फ्रेस्को, रंगोली एंड फोक आर्ट। दूसरा जो आपके पास यूनिट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्कल्पचर, भारतीय जो मूर्ति कला है, जिसमें कि विशेष करके आइकनोग्राफी, जिसे आप प्रतिमा विधा कहते हैं, जिसमें कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन प्रतिमा विधा के विषय में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आपके पास टॉपिक है वह है आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। इसमें विशेष रूप से टेम्पल आर्किटेक्चर में नगर, द्रविड़ और जो बेसर शैली है, इनके विषय में विस्तृत विवरण दिया जाएगा। उसके बाद है आपके पास मॉस्क्यूज एंड मॉजेलियम, जिसमें कि हमारे पास कुतुब परिसर है, हुमायूं का मकबरा है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है। ये मध्यकालीन जो स्थापत्य कला है उसके विषय में जो है वो विवरण दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है रॉक कट टेम्पल्स मसरूर, जो कि हिमाचल में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसमें हम जो शैल मंदिर है उसके विषय में जो है विवरण दिया गया है। साथ में जो शिमला में उपनिवेश कालीन स्थापत्य कला है, जिसमें कि विशेष करके पैसरिकल लॉ जिसको कहा जाता है, उसका भी विवरण दिया जाएगा। जो फोर्थ यूनिट आपके पास है उसमें इंडियन पेंटिंग्स अंडरस्टैंडिंग इट्स हिस्टोरिकली, जो ऐतिहासिक रूप से हैं भारतीय चित्रकला को, उसको समझना जो है वो इस चैप्टर के अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत दिया गया है। म्यूरल पेंटिंग, विशेष करके जो भित्ति चित्र जिसको आप कहते हैं अजंता के, उसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। और मुगल मिनिएचर स्टाइल जो है, मुगल लघु चित्र कला की जो शैलियां हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना है। साथ में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें गुलेर और कांगड़ा पेंटिंग का विशेष उल्लेख किया जाएगा, ये आपके चौथे यूनिट के अंदर दिया गया है। ये संक्षिप्त में मैंने आपको सिलेबस बताया। इस सिलेबस के आधार पर ही आपका जो पेपर है वो सेट होता है। नेक्स्ट थिंग दैट इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसके विषय में आपको पहले भी जानकारी है, और इसमें विशेष रूप से हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं। जो सेक्शन ए है कंपल्सरी, और इसमें पार्ट वन एंड पार्ट टू, दो पार्ट होते हैं, और मैंने यहाँ कंबाइनली आपको दो नंबर के लिए और पाँच नंबर के लिए जो प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो कि आपने थोरोली तैयार कर रहे हैं उसके विषय में मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ सेलेक्ट करके आपको बताए हैं। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक मैंने इसमें सेलेक्ट किया है वो भारतीय कला की विशेषताएँ। यहाँ पर भारतीय कला की क्या विशेषताएँ हैं, जिसमें कि आप प्राचीनता के अतिरिक्त आप ये बता सकते हैं कि धार्मिकता पर आधारित हैं या किस प्रकार की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। दूसरा है कला का अर्थ। तीसरा जो टॉपिक आपने तैयार करना है हस्तकला या शिल्प कला जिसको आप कहते हैं, इसको आपने क्राफ्ट जिसको आप कहते हैं इसको तैयार करना है। चौथा टॉपिक है मूर्ति कला, जिसमें कि विशेष करके उत्कीर्ण कला, एनग्रेविंग जिसको आप कहते हैं, इसको भास्कर कला भी कहा जाता है, इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट है राहत और रिलीफ, जिसको आप राहत कहते हैं, रिलीफ, हाई रिलीफ और लोअर रिलीफ, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, इसको आपने जो है वो विशेष रूप से इसको तैयार करना है। नेक्स्ट है कला के अध्ययन के स्रोत, क्या क्या हमारे पास कला के अध्ययन के स्रोत है, लाइक इंस्क्रिप्शंस है, या हमारे पास हम कह सकते हैं जैसे कि पेंटिंग्स है, या आप कह सकते हैं न्यूमिस्मेटिज्म है, या आप कह सकते हैं पॉटरी है, ये हमारे पास कला के अध्ययन के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कई जो साहित्य कला है उसमें भी हम इसको स्रोत के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट है चित्रकला। चित्रकला में जो पेंटिंग्स है वो म्यूरल पेंटिंग्स भी आपके पास आएगी, और फ्रेस्को भी आपके पास आएगा, और इसके साथ साथ जो मिनिएचर पेंटिंग्स है उसको आप इसके अंतर्गत जो तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जो लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग की जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपके पास जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेस्को, जो टेक्निक ऑफ विशेष करके एक टेक्निक है पेंटिंग्स की जिसको फ्रेस्को कहते हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट है रंगोली। रंगोली में विशेष करके उसकी विशेषताएं, विशेषताओं के साथ साथ इसकी जो टेक्निक्स होती हैं और जो लोकल स्थानीय जिसको आप रंगोली कहते हैं,
फोक आर्ट के तहत उसको आपने तैयार करना है। इसमें विशेष करके लोक कला में जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स है, कांगड़ा पेंटिंग्स है, गौंड पेंटिंग्स है, चितर है, तंजावुर है, थंगक है, वर्ली है, ये अलग अलग जो है वो स्थानीय कलाएं हैं, इनको लोक कला फोक आर्ट के नाम से जाना जाता है, इसको आपने संक्षिप्त में तैयार करना है। नेक्स्ट है गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। इसके विषय में हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं टेक्निक और विशेष करके फीचर्स ऑफ गांधार आर्ट और मथुरा कला आर्ट। नेक्स्ट है प्रतिमा विधा या प्रतिमा विज्ञान, जिसको आइकोनोग्राफी कहा जाता है, ये भी आपने तैयार करना है। आइकोनोग्राफी क्या चीज़ होती है, प्रतिमा क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट है द्रविड़ नागर और बैसर शैली की जो विशेषताएं हैं, वो आपने इसमें फुल लेंथ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और लेकिन संक्षिप्त में हो सकता है आपसे ये पूछे कि द्रविड़ शैली की विशेषताएं बताइए, नागर शैली की विशेषताएं बताइए, या बैसर शैली की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है सांची का स्तूप या कार्ले का जो चैत्य हैं, ये सांची का स्तूप विशेष करके जो मौर्य के समय में या जो कुषाण और कनिष्क के समय में जो इसका मॉडिफिकेशन हुआ, इसको आप कर सकते हैं, और साथ में जो कार्ले का चैत्य है। मध्यकाल में अगर हमारे पास जो सिलेबस के अंदर दिया है, एक तो कुतुब परिसर दिया है और हुमायूं का मकबरा दिया है, और साथ में जामा मस्जिद तथा ताजमहल, ये हमारे पास चार जो है टॉपिक्स दिए हैं जिनको कि आपने थॉरली पढ़ना है। इसमें 2 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए प्रश्न जो है वो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट है मसरूर के शैल मंदिर, जो कांगड़ा में मसरूर के शैल मंदिर है, इसको लेकर के विशेष आपने जो तैयार करना है। और जो हमारे पास बायोसिकल लॉज हैं, जिसको आज के संदर्भ में एडवांस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहा जाता है, राष्ट्रपति निवास भी कहा जाता है, उसको लेकर के जो आपने तैयार करना है। ये शॉर्ट नोटिस के लिए भी आ सकता है, और साथ में जो है आपके पास 5 नंबर के लिए भी आ सकता है। भित्ति चित्र, जिसको म्यूराल पेंटिंग कहते हैं, और अजंता चित्रकला विशेष रूप से इसका एक उदाहरण है, इसको आप विवरण विस्तृत रूप से तैयार कर लें। पहाड़ी चित्रकला, जिसमें कि गुलेर और कांगड़ा चित्रकला प्रमुखता से जो है तैयार करना है। नेक्स्ट है मुगल लघु चित्र शैलियाँ, विशेष करके जो आप कह सकते हैं मुगल कालीन जो चित्रकला शैली है, बाबर के समय से, अकबर के समय से, हुमायूं के समय से, और विशेष करके जहांगीर के समय पर जो मुगल चित्रकला का उत्कृष्ट काल था, उसका आपने संक्षिप्त विवरण तैयार करना है। अब जो 10 नंबर के लिए प्रश्न है, वो आपने जो तैयार करना है फर्स्ट यूनिट में से आपने तैयार करना है, भारतीय कला से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा, जो आपने कला का अर्थ क्या है, कला के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2 प्रश्न अगर आप फर्स्ट यूनिट से तैयार कर लेते हैं, तो समझिए कि इतने ही 2 प्रश्न आपके फर्स्ट यूनिट से बनते हैं। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें, तो सेकेंड यूनिट में हमारे पास एक तो मूर्तिकला से क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्कल्पचर, और भारतीय मूर्तिकला का संक्षिप्त विवरण हमने इसमें देना है। दूसरा जो प्रश्न आपने इसे तैयार करना है, प्रतिमा विज्ञान से आप क्या समझते हैं, आइकनोग्राफी, हिंदू बौद्ध और जैन, सिर्फ 3 चीज़ें हमारे पास सिलेबस में दी हैं, प्रतिमा विधा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हिंदू जो प्रतिमाएं हैं और बौद्ध प्रतिमाएं हैं, जैन प्रतिमाएं हैं, उनका आपने संक्षिप्त विवरण जो है वो तैयार करना है। यूनिट थर्ड में जो टॉपिक हमने तैयार करने हैं, यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय मंदिर निर्माण की विभिन्न स्थापत्य शैली का वर्णन कीजिए, जिसमें कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, इनका विस्तृत जो विवरण पूछा जा सकता है। और दूसरा है मध्यकालीन जो कुतुब मीनार है, हुमायूं मकबरा है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है, इनके स्थापत्य कला का संक्षिप्त विवरण दीजिए। किसी एक का भी पूछा जा सकता है, 2 का भी पूछा जा सकता है, ये आपने तैयार करना है। और तीसरा प्रश्न इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वह है हिमाचल की विभिन्न वास्तु शैलियों का संक्षिप्त विवरण करते हुए मसरूर के शैल मंदिर का जो है वो विवरण दीजिए। जो यहाँ पर अलग अलग मंदिर की जो शैलियाँ हैं, विशेष करके जैसे स्लांटिंग रूफ है, फ्लैट रूफ है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर जो गुंबद के मंदिर बने हुए हैं, गुंबद शैली है, अलग अलग जो शैलियाँ हैं उनका आपने संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं, और साथ में पूछा जा सकता है कि जो मसरूर के शैल मंदिर है उसकी जो विशेषताएं हैं या उसका जो विवरण है दीजिए। और जो लास्ट यूनिट हमारे पास आता है, फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें, तो इसमें भी मैंने 3 प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जिनको कि आपने थोरोली रिवाइज करना है। भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास उल्लेखित करते हुए प्रमुख विशेषताएं बताइए, जो हमारी पेंटिंग्स है
उसका इतिहास संक्षिप्त में बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आप भीमबेटका से लेकर के शुरू कर सकते हैं, जो है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से लेकर के, और जो आपके पास आधुनिक ब्रिटिश काल तक का जो संक्षिप्त इतिहास है उसका उल्लेख हम दे सकते हैं, और उसकी विशेषताएं आपने बतानी है कि क्या भारतीय चित्रकला की विशेषताएं रही है। दूसरा, हमारे पास जो भित्ति चित्रकला है इसमें आप क्या समझते हैं, और मुगल कालीन या अजंता की भित्ति चित्र शैलियों का विवरण दीजिए। या तो मुगल काल की जो भित्ति चित्र म्यूरल पेंटिंग्स पूछा जा सकता है, या अजंता की म्यूरल पेंटिंग्स के विषय में पूछा जा सकता है, ये आपने तैयार करना है। और लास्ट जो टॉपिक है वो तैयार करना है पहाड़ी चित्रकला की प्रमुख शैलियों का वर्णन कीजिए, जिसमें कि गुलेर या कांगड़ा शैली का प्रमुख रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। तो ये आपके पास सिलेबस के अनुसार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस मुझे लगते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं। सो प्रिपेयर वेल, एंड वन थिंग इज मोर विच आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब हियर, वेन एवर यू राइट योर आंसर इट शुड बी अप टू द मार्क, आई मीन टू से दैट कि आपने इसमें, चूंकि ये एक आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, और विशेष करके इस कोर्स की जो मैं बात करता हूँ इसमें आपके गप्पे के लिए कोई स्कोप नहीं है, इसलिए आप इसको तैयार करके ही एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास तकनीकी से इस पेपर को बनाया गया है, और आपको जब तक इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक आप इसका सही विवरण नहीं दे सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड टाइम।